हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम शेयर करेंगे एरेंथेमम पुलकेनम, जिसको ब्लू सेज या ब्लू एरेंथेमम के नाम से भी जानते हैं। ये एक ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट है और इस तरह के गुच्छे में इसमें फ्लावर्स आते हैं। तो ये जो प्लांट है, ये हमने एक बहुत छोटी सी कटिंग से ग्रो किया था, जो कि फरवरी में ग्रो किया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वीडियो ज़रूर चेक कीजिए, उसमें हमने 5 कटिंग्स ग्रो करना आपसे शेयर किया हुआ है। उसके बाद एक वीडियो में उनका रिजल्ट भी आपसे शेयर किया है। आज हम इस प्लांट की अपडेट और इसको रेनी सीजन में ग्रो करना आपसे शेयर करेंगे, और वो भी बहुत ही छोटी कटिंग से। तो सबसे पहले प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ हो चुकी है और न्यू शूट्स भी आ रही हैं, तो जिससे हमारा प्लांट ज़्यादा बुशी हो, ज़्यादा ब्रांचेज आएँ। सबसे पहले जो इसकी अपर टिप थी, यानी जो पहली ब्रांच ऊपर सबसे ऊपर जा रही थी, जो टिप थी इस प्लांट की, उसको हमने कट कर दिया है, क्योंकि यहीं से ही 2 शूट्स और आ रही हैं। और इस छोटी सी कटिंग को वेस्ट नहीं करेंगे, इसको भी ग्रो करके देखते हैं कि हमें इसमें कैसा रिजल्ट मिलता है। तो वीडियो पर बने रहिएगा। तो इस छोटी सी कटिंग को सेम पॉट में हमने ग्रो कर दिया है एक साइड में। अब देखते हैं इसमें रूट्स कितने दिन में बन पाती हैं। तो कटिंग ग्रो करने के लगभग 18 दिन के बाद हम देखने वाले हैं कि कटिंग में रिजल्ट क्या है। और इतनी छोटी कटिंग है, पता नहीं ग्रो हुई भी होगी, रूट्स बनी भी होंगी या नहीं। तो लीव्स देखकर तो लग रहा है कि जो कटिंग है वो अभी फ्रेश है, यानी सूखी नहीं है। इसमें देखते हैं रूट्स बनी है कि नहीं। तो इसमें एक बहुत छोटी रूट हमें दिखाई दी, यानी कि रूट्स बनना स्टार्ट हो चुका था। तो जैसे कि ये कटिंग हमने जून में ग्रो की थी और टेम्परेचर भी हाई रहता है जून में, और इसको हमने कहीं शेड में भी नहीं रखा था। जैसा पॉट धूप में रखा रहता है वैसे ही रखा हुआ था, बस ये कटिंग ग्रो करके देखना था। तो इसीलिए इतने दिन में इतनी ही रूट बनी है। अगर आप ये काम रेनी सीजन में करते हैं तो 18 दिन के अंदर अंदर आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा प्लांट है उसमें हमने अपर टिप उसकी कट कर दी थी और वहीं से ही 2 शूट्स बन रही थी, यानी 2 ब्रांचेस वहीं से ही बनेंगी। तो वो अब अच्छी ग्रोथ कर चुकी हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमने जो इसकी अपर टिप थी, यानी ऊपर का जो पोर्शन था प्लांट का, उसको कट कर दिया था। वहाँ से ही 2 शूट्स बनी और वो भी काफ़ी हेल्दी हो चुकी हैं। तो ये एरेंथेमम प्लांट जो है बहुत अच्छी ग्रोथ करता है, बहुत जल्दी ग्रोथ करता है, बहुत कम देखभाल में बहुत अच्छे से चल जाता है। तो अभी जो इसकी और ब्रांचेज हैं, जो शूट्स हमने आपसे शेयर की थी स्टार्टिंग में, तो वो अब काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं और इनको भी हम सोच रहे हैं कि हल्का हल्का प्रून कर देते हैं, यानी जो अपर टिप है उसको हल्का सा कट कर दीजिए। जैसे हम क्रिसेंथेमम में आपको पिंचिंग करना बताते हैं, बिल्कुल ऐसे ही इन सभी टिप्स को आप हल्का सा पिंच कर दीजिए। उससे क्या होगा, ये ब्रांचेस जल्दी से बड़ी नहीं होंगी। अगर आप इसको ऐसे ही रहने देंगे फिर ये एकदम से बड़ी हो जाएंगी और फिर नीचे गिरने लगेंगी, फिर आपको सपोर्ट देना होगा, प्लांट देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो जो हमने टिप्स कट की हैं अब इनको वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे फर्स्ट वाली कटिंग हमने ग्रो कर दी थी, तो यही कटिंग्स जो हैं छोटी छोटी इनको भी ग्रो कर देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। इतनी जल्दी तो कोई भी प्लांट ग्रोथ नहीं करता जितनी जल्दी इस प्लांट ने ग्रोथ की है। और ऐसे ही एक रैबिट ईयर प्लांट है जिसकी कटिंग हमने ग्रो करना शेयर किया हुआ है, वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कीजिए, वो भी काफ़ी जल्दी और अच्छा रिजल्ट मिल जाता है उसमें भी। तो इन छोटी छोटी कटिंग्स को भी ऐसे ही सेम पॉट में लगा देते हैं, वाटरिंग कर देते हैं, रेनी सीजन है, जल्दी ही रूट्स बन जाएंगी और फिर इनको अलग अलग जगह पर हम ग्रो कर सकते हैं। ब्लू कलर के गुच्छे में फ्लावर्स आते हैं, तो बहुत ही प्यारा प्लांट है, इसीलिए आपको ज़रूर ग्रो करना चाहिए अगर आपको कहीं पर मिलता है तो। तो अब लगभग 32 डेज के बाद देखते हैं कि जो हमने जून में कटिंग ग्रो की थी उसका क्या रिजल्ट है और रूट्स उसमें आगे बनी है या नहीं। तो इसमें काफ़ी अच्छे से रूट्स बन चुकी हैं, जैसे हमने इसको 18 दिन के बाद थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया था, तो और भी अच्छी बन जाती रूट्स इसमें, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी रूट्स केवल और केवल 1 महीने के अंदर बन चुकी हैं। ये बहुत अच्छा रिजल्ट है और इतनी छोटी कटिंग में तो आपको अक्सर इसमें रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन ये जो प्लांट है एरेंथेमम, ये बहुत ही अच्छा प्लांट है, क्योंकि फरवरी में भी इसकी छोटी कटिंग ग्रो करना हमने आपसे शेयर किया, उसमें भी हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, और रेनी सीजन में भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। और ये जो बाकी की कटिंग्स हैं इसमें भी जल्दी रूट्स बन जाएंगी, तो जब हम इसको मिट्टी से बाहर निकालेंगे तो आपसे आगे ज़रूर शेयर करेंगे। तो इस प्लांट में स्प्रिंग सीजन के बाद से फ्लावरिंग स्टार्ट होती है, तो वही इसका टाइम है। तो फ्लावरिंग तो अभी हमें नहीं मिलेगी और रेनी सीजन बेस्ट टाइम है इसको ठीक करने का, प्रून करने का और इनकी कटिंग्स ग्रो करने का। तो अगर आपके पास ये प्लांट है या आसपास कहीं ग्रो किया हुआ है तो कटिंग ज़रूर ग्रो कीजिए। और देखिए जहाँ जहाँ हमने पिंच किया था प्लांट को, यानी हल्की हल्की कटिंग कर दी थी, वहीं से ही डबल शूट बनी है, यानी कि प्लांट में जितनी ज़्यादा शूट्स, जितनी ज़्यादा ब्रांचेज, उतने ज़्यादा फ्लावर्स। तो एक ब्रांच इसमें अभी रह गई है, 1 या 2, इसको भी हम जल्दी ही कट कर देंगे। इसको कट करना हम मिस कर गए, तो इसको आगे हम कट करके कहीं और इसको ग्रो कर देंगे, क्योंकि पॉट में तो अब जगह बची नहीं है। बाकी हमारा प्लांट बहुत बुशी हो चुका है और अगर ये आप कट नहीं करते हैं, अभी से इनकी ब्रांचेस कट नहीं करेंगे, तो प्लांट की शेप बेकार हो जाती है। तो प्लांट को अभी से ठीक कीजिए। बाकी इसके केयर के बारे में और रिलेटेड वीडियोज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कीजिए और आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। थैंक यू।